हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड, जो माँ बनने का एहसास होता है हमें नहीं, हम स्त्रियों का, तो एक अलग सा होता है, क्योंकि ये हम लोग को ज़िंदगी में जो ये पल मिलते हैं बहुत अनमोल रहते हैं। और फ्रेंड, ये जो पहली बार माँ बनती हैं लड़कियाँ यानी स्त्रियाँ, तो उनके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं मन में। तो उन सवालों को शांत करने के लिए ये वीडियो बनाए हैं। कोई ऐसा वीडियो नहीं है फ्रेंड कि लड़का है कि लड़की। आजकल लड़का लड़की में कोई फ़र्क नहीं है। बच्चों में यह है कि अच्छे से पढ़ाओ लिखाओ, उनको यानी लायक बनाओ, यही सबसे बड़ा हो। चाहे लड़की हो चाहे लड़का, उनको अच्छे से पढ़ाना लिखाना पड़ता है। तो लड़की लड़का में कोई फ़र्क नहीं होता है। तो मन को शांत करने के लिए वीडियो हम बनाए हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो फ्रेंड, जैसे हम कुछ अपना एक्सपीरियंस भी बताएंगे कि मेरा यानी फर्स्ट जो बेबी है तो यानी बेटा ही है, और कैसे उसमें मेरे को लक्षण आए, क्या क्या मेरे को खाने को मन करा, कैसे लग रहा था, तो ये सब बताएंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो फ्रेंड, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हम कोई वीडियो डालें आप लोगों को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो मेरा फ्रेंड, ये पहला एक्सपीरियंस था कि मेरा पहला जो बेबी बॉय था, तो यानी हमको यानी बहुत ज़्यादा घबराहट और कुछ काम करने का मन भी नहीं लगता था। लगता था कि दिन भर यानी पड़े रहो, और खाने की भी इच्छा नहीं होती थी। और फिर शुरू के जो शुरुआती मन थे, फिर इसके बाद उल्टियां चालू हो गई। एक मंथ के बाद उल्टियां होने लगी, तो एक मंथ यानी पूरा एक महीना उल्टियां चलती थी, लेकिन मैं खाती रहती थी और उल्टियां होती रहती थी। खाने में मैं लापरवाही नहीं करती थी। और इसमें जब मेरा बेबी बॉय था पेट में, तो मेरे को यानी ज़्यादा नमकीन वाली चीज़ें, समोसा और खटाई खाने का ज़्यादा मन करता था। मीठा तो मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, मीठा तो मैं बिल्कुल ही नहीं खाती थी। और इसमें और था फ्रेंड कि इसमें जो मेरे पेट में था, निचले हिस्से में था, और इसमें पीठ में दर्द मेरे ज़्यादा होता था, क्योंकि बेटे के टाइम पे पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, और बेटी के टाइम पे निचले हिस्से में दर्द हो रहा था मेरा। और इसमें फ्रेंड ज़्यादा इसमें गुस्सा अगर आपको ज़्यादा आता है, यानी दम घुटने लगे, ज़्यादा घूमने फिरने का मन करे, तो ऐसे में आपकी लड़की हो सकती है फ्रेंड। फ्रेंड इसमें मेरे को शुरू में थोड़ा हल्का बुखार भी आ जाता था, यानी फीवर हरारत यानी हरारत टाइप कराता था, और फिर धीरे धीरे हो गया, ठीक हो गया था। और बाकी फ्रेंड इसमें यानी मेरे को ज़्यादा घूमने फिरने का मन नहीं करता था, लगता था कि मैं घर में रहूं। और इसमें फ्रेंड मेरे को और जब मेरा बेटा था, तो इसमें यानी एसिडिटी मेरे को ज़्यादा बनती थी, और जिसकी वजह से मैं चाय वाय बिल्कुल भी नहीं पीती थी। और फ्रेंड, हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।